हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बनाएंगे मूंग की दाल। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मूंग की दाल बहुत ही झटपट एक सीटी में। देखिए कितनी अच्छी और कितनी सारी दाल बनी है और बहुत ही टेस्टी भी है और झटपट बन गई है 10 से 15 मिनट में। तो आप बनाइए, बहुत ही ताकतवर होती है मूंग की दाल और बहुत आसानी से बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर ली हो, गैस पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। सब काम हमारा कुकर में ही होगा। आधा चम्मच राई डालेंगे और इसे थोड़ा तड़कने देंगे। अब डालेंगे आधा चम्मच जीरा। सिर्फ हम 100 ग्राम दाल बनाएंगे, बहुत ही झटपट हमारी दाल रेडी हो जाएगी। दो चुटकी हींग पाउडर, गैस नहीं होना चाहिए हमें, इसके लिए हम स्टार्टिंग में इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हींग डाल दीजिए और एक चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक यानी लहसुन बारीक काट के लेंगे और बारीक कटा हुआ अदरक भी लेंगे एक चम्मच। और दिवाली है, सब इधर बॉम्ब फूट रहे हैं, उसकी आवाज़ें आ रही है। 4-5 हरी मिर्ची काट के डालेंगे और थोड़े से कड़ी पत्ते के पत्ते। ये तमाम चीज़ें हम बघारने में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 4-5 लाल मिर्ची ली हूँ। अब इन्हें अच्छी तरह फ्राई करेंगे। देखिए गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए अच्छी तरह गुलाबी होने के लिए तैयार है हमारे लहसुन और तमाम चीज़ें। अब हम इसमें एक छोटा सा प्याज काट के डालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं डालेंगे। 100 ग्राम दाल बना रहे हैं हम मूंग की, तो उसके लिए एक छोटा प्याज ठीक है। अब उसे थोड़ा हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। अब डालेंगे उसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कट करके ली हूँ मैंने। अब इस इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर इसके बाद हम डालेंगे मसाले। पहले डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच नमक, नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, एक चम्मच छोटा धनिया पाउडर। बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक फास्ट फ्लेम पर ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह पक जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, देखिए अब हम टमाटर को अच्छी तरह स्मैश करेंगे। ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से टमाटर हल्के ये है, पूरी तरह नरम हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे, हमने 1 घंटा पहले 100 ग्राम मूंग की पीली वाली दाल भिगा के रखे थे, देखिए उसे डाल रहे हैं। उसमें भी आधा ग्लास पानी बचा हुआ है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम और 2 ग्लास पानी डालेंगे, यानी पूरे मिला के 2 और आधा 2.5 ग्लास पानी हो जाएंगे। देखिए अब कुकर का ढक्कन अच्छी तरह बंद कर देंगे और इसे एक सीटी होने के बाद 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए एक सीटी हो गई है, अच्छी तरह पूरी गैस निकल गई है। अब हम आपको खोल के दिखाते हैं। देखिए झटपट हमारी दाल माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और अच्छी गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। बहुत ही आसानी से और झटपट हमारी दाल रेडी है। देखिए थोड़ा भी ऐसा पानी ऊपर नहीं तैर रहा है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी पतली गाढ़ी, मतलब हर तरफ दाल ही दिखाई दे रही है। नहीं तो जब हम दाल बनाते हैं कोई, तो पानी ऊपर अलग से दिखाई देता है,
ये दाल बिल्कुल गाढ़ी बन गई है और 100 ग्राम दाल में माशाल्लाह बहुत सारी दाल बन गई है। तो आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी तरीका है। तो प्लीज़ दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आपके लिए बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली चीज़ें बता रही हूँ, ज़्यादातर हमारे घर के खाने की चीज़ें बता रही हूँ। तो अब हमारी मूंग की दाल खाने के लिए तैयार है, तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए झटपट हमारी दाल कितनी जल्दी बन गई है। और आप मेरे वीडियो भी नहीं देख रहे हैं और ना ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं। अब 6-7 महीने पूरे हो गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि 1 साल पूरा होने से पहले मेरा नाम सब जगह फैल जाए, यानी आप सब लोग मुझे पहचानने लगे। मैं बस आपके दिलों में जगह बनाना चाहती हूँ। इंशाल्लाह आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे और अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता करेंगे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा खाना बनाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।